उर्दू के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आज मैं आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपके सामने उर्दू कवायद के मतलब बुनियादी मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड कम्पटिटर्स, पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अभी हम जो है उर्दू कवायद के बारे में पढ़ रहे हैं। उर्दू कवायद में उसकी 5 किस्में होती हैं, जिसमें इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। तो उसका पहला हिस्सा है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा उस किसे कहते हैं, तो इल्म हिज्जा जिस ये कवायद का वह हिस्सा है जिससे हरफों के हरकत व सकनात और तलफ़ की सही जानकारी होती है, उसको हम इल्म हिज्जा कहते हैं। तो इल्म हिज्जा के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इल्म हिज्जा जो हमने बता दिया कि इल्म हिज्जा जिससे हरफों के हरकत व सकनात और तलफ़ की सही जानकारी होती है, उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। तो इल्म हिज्जा की 2 किस्म, इल्म हिज्जा जिसमें हम अलिफ से या तक को हम क्या कहते हैं, हरूफ तहजी। हरूफ तहजी की 2 किस्में होती हैं, एक होता है मुफरद हरूफ और दूसरा होता है मुरक्कब हरूफ। तो मुफरद हरूफ अलिफ से या तक के हरूफ को मुफरद हरूफ कहते हैं। तो मुफरद हरूफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अलिफ से या तक के हरूफ को हम क्या कहते हैं, मुफरद हरूफ, यानी हरूफ तहजी मुफरद हरूफ। मुफरद हरूफ में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी कई अकसाम हैं, जिनकी कई किस्में होती हैं। मुफरद हरूफ में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी कई किस्में होती हैं, कई अकसाम हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है अलिफ। अलिफ की 2 किस्में होती है। अलिफ की कितनी किस्में होती हैं, अलिफ की 2 किस्में होती हैं, जिसमें पहला है अलिफ ममदूदा और दूसरा है अलिफ मकसूरा। पहला है अलिफ ममदूदा और दूसरा है अलिफ मकसूरा। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, पहला है अलिफ ममदूदा, दूसरा है अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं उसका जवाब क्या है। अलिफ ममदूदा वह अलिफ जिस पर मद हो और वह खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। वह अलिफ जिस पर मद हो और वह खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। मद का निशान कैसा होता है, ऐसे इस तरह मद का निशान होता है। तो अलिफ ममदूदा इस तरह हम बनाते हैं मद। तो अलिफ ममदूदा वह अलिफ जिस पर मद हो और वह खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आग, आन, आब, आस, आओ, इस तरह करके जितने भी लफ्ज़ हैं उसको कहते हैं, इस जिस पर मद होता है उसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। उसके बाद है अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं। तो अलिफ मकसूरा वह अलिफ जिस पर मद ना हो और वह खींच कर ना पढ़ा जाए, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। वह अलिफ जिस पर मद ना हो और वह खींच कर ना पढ़ा जाए, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे अब, इब, उन, इन, उस, उर, एक, इस तरह करके जितने भी हैं उसको कहते हैं उग, अलिफ वापस उग, इस तरह करके जितने भी हैं उनको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा, जो खींच कर ना पढ़ा जाए। उसके बाद है अलिफ के बाद है नून की किस्में। नून की 2 किस्में होती है। नून की कितनी किस्में होती हैं, नून की 2 किस्में होती हैं। एक होती है नून जाहिर और दूसरा मलफूजी, नून जाहिर या नून मलफूजी। दूसरा होते हैं नून गुन्ना या खफी, मखफी, नून गुन्ना या खफी, नून गुन्ना या खफी। अच्छा, नून जाहिर या मलफूजी किसे कहते हैं, वह नून जो तलफ़ुज में आए, जो तलफ़ुज़ में आए यानी साफ पढ़ा जाए, उसे नून जाहिर या नून मलफूजी कहते हैं। जैसे आन, शान, कान, मान, जान, पान, उन, ये क्या है, ये साफ तलफ़ुज़ में आ रहा है, साफ पढ़ा जा रहा है, इसको कहते हैं हम नून जाहिर या मलफूजी कहते हैं। मिसाल आपने देख लिया, आन, शान, कान, मान, जान, पान, इसको कहते हैं नून जाहिर या मलफूजी। उसके बाद है नून गुन्ना या नून मखफी किसे कहते हैं। नून गुन्ना या नून मखफी किसे कहते हैं, तो पहला है वह नून जो नाक से पढ़ी जाए, वह नून जो नाक से पढ़ी जाए या तलफ़ुज़ में ना आए, उसे नून गुन्ना या नून मखफी कहते हैं। जैसे माँ, जहाँ, कहाँ, वहाँ, नेहा, दसवा, बारवा, इस तरह के जितने भी हैं उनको हम कहते हैं नून गुन्ना या नून मखफी, जो नाक से पढ़ी जाए यानी वो तलफ़ुज़ में ना आए। उसके बाद है वाव की किस्में। वाव की 3 किस्में होती है।
वाव की तीन किस्म होती हैं, जिसमें पहला है वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव माधुला। पहला है वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव माधुला। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस पर पेश हो। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव माधुला। तो आइए देखते हैं वाव मारूफ किसे कहते हैं। तो पहला है वाव मारूफ किसे कहते हैं, जवाब है वो वाव जिस पर पेश हो और वो खूब खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। वो वाव जिस पर पेश हो और वो खूब खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे चूर, हूर, नूर, दूर, और एक है तूर। इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं जिसमें वाव होता है और वो खींच कर पढ़ा जाता है उसको कहते हैं वाव मारूफ। दूसरा है वाव मजहूल। वाव मजहूल किसे कहते हैं, तो जवाब होगा वो वाव जिस पर पेश हो और वो खूब खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। वो वाव जिस पर पेश हो और वो खूब खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे चोर, शोर, मोर और जोर वगैरह वगैरह। चोर, शोर, मोर और जोर वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं वाव मजहूल। जिस पर पेश हो लेकिन वो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे कहते हैं वाव मजहूल। उसके बाद है वाव मादुला। वाव मादुला किसे कहते हैं, वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाब, ख्वाब में ख्वाब लिखाया है लेकिन ख्वाब पढ़ा जाएगा। दस्तरखान लिखाया है, दस्तरखान पढ़ा जाएगा। ख्वाहिश लिखाया है, ख्वाहिश पढ़ा जाएगा। ख्वाजा लिखाया है, ख्वाजा पढ़ा जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं जिसमें वाव होता है वो वाव, उसको वाव मादुला कहते हैं। जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है उसको कहते हैं वाव मादुला। उसके बाद है हाय की तीन किस्में होती हैं। हाय यानी आप जो है उर्दू में इसको हाय कहते हैं, यानी हाय की तीन किस्म होती हैं। तो पहला है हाय मलफूजी, हाय मकतफी, हाय मखलूती। जो अभी आपने इससे पहले नून, नून जाहिर या नून मलफूजी पढ़ा था उसी तरह हाय मलफूजी, उसके बाद हाय मकतफी, उसके बाद हाय मखलूती। हाय की कितनी किस्म होती है, तीन किस्म होती है। हाय मलफूजी, हाय मकतफी, हाय मखलूती। तो पहला है हाय मलफूजी किसे कहते हैं, जवाब है, जवाब होगा वो है जो तलफ़ुज़ में आए यानी साफ पढ़ा जाए उसे हाय मलफूजी कहते हैं। वो है जो तलफ़ुज़ में आए यानी साफ पढ़ा जाए उसे हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे आह, राह, शाह, बंदरगाह, गाह, बंदरगाह, ख्वाबगाह, वाह, वगैरह वगैरह। इसको हम कहते हैं हाय मलफूजी, यानी वो साफ पढ़ी जाए, साफ पढ़ी जाए और वो तलफ़ुज़ में आए उसे कहते हैं हाय मलफूजी। उसके बाद है हाय मकतफ़ी। हाय मकतफ़ी वो है जो तलफ़ुज़ में ना आए बल्कि उसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह ज़ाहिर हो। वह है जो तलफ़ुज़ में ना आए बल्कि उसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह ज़ाहिर हो उसे हाय मकतफ़ी कहते हैं। जैसे रास्ता, रास्ता है, नाश्ता है, वास्ता है, वाबिस्ता है, बर्जिस्ता है, वगैरह वगैरह। इसमें है छोटी है लेकिन इसकी आवाज़ अलिफ की तरह निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं रास्ता, नाश्ता, वास्ता, इसको कहते हैं हाय मकतफ़ी। वह है जो तलफ़ुज़ में ना आए बल्कि उसकी आवाज़ अलिफ की तरह जाहिर हो उसे हाय मकतफ़ी कहते हैं। अगर हम इसे तोड़ कर लिखेंगे जैसे रास्ता है तो रे लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, सीन लिखेंगे, फिर ते लिखेंगे और फिर छोटी है लिखेंगे, रास्ता है ना, इसको कहते हैं हाय मकतफ़ी। उसके बाद है हाय मखलूती। हाय मखलूती किसे कहते हैं, तीसरा हिस्सा है हाय मखलूती। वह है जो दूसरे हरूफ के साथ यानी दूसरे हर्फ के साथ, हरूफ के साथ नहीं, दूसरे हर्फ के साथ। वह है जो दूसरे हरूफ यानी हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाए उसे हाय मखलूती कहते हैं। जैसे बे है और उसमें दुचस्मी है जोड़ देंगे भा, जीम है दुचस्मी जोड़ दिए झा, पे है दुचस्मी है जोड़ दिए फा, ते है दुचस्मी है जोड़ दिया था, इसको कहते हैं हाय मखलूती। जो दूसरे हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाए उसे हाय मखलूती कहते हैं, मिला हुआ, इसको हाय मखलूती, हाय मखलूती कहते हैं, याद रखने।
उसके बाद है याई की किस्में। या की दो किस्में होती है, याई की दो किस्में होती हैं, जिसमें पहला है याई मारूफ, याई मजहूल। अगर आप जहन दोहराएं तो आपने इससे पहले वाव की किस्में पढ़ी थी, वाव मारूफ वाव मजहूल, तो उसी तरह या के किस्में याई मारूफ याई मजहूल, याई मारूफ याई मजहूल। तो याई मारूफ किसे कहते हैं? जवाब है वो ये जिस पर जेर हो और वो खींच कर पढ़ा जाए, वो ये जिस पर जेर हो, यानी इसको इन्वर्टेड कोमा से घेर दें, वो ये जिस पर जेर हो, जेर का निशान ये होता है जेर के मतलब होता है नीचे, वो ये जिस पर जेर हो और वो खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे तीर, शीर, मीर, पीर, वीर, चील, चीर वगैरह वगैरह, इसको हम कहते हैं याए मारूफ। यानी याए मारूफ का मतलब खींच कर पढ़ना, जेर हो और वह खींच कर पढ़ा जाए उसे कहते हैं याए मारूफ। वाव मारूफ वो वाव जिस पर पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, उसी तरह ये जिस पर जेर हो और वह खींच कर पढ़ा जाए उसको कहते हैं याए मारूफ। उसके बाद है याए मजहूल। याए मजहूल उस ये को कहते हैं जिस पर जेर हो लेकिन वह खींच कर ना पढ़ा जाए, वह ये जिस पर जेर हो और वह खींच कर ना पढ़ा जाए उसे कहते हैं याए मजहूल। जैसे देर, शेर, पेर, पीर, पेर है, पेर, पैर, पैर, पेर, देर, शेर, पेर, पैर, इसको कहते हैं पैर, पेर, इसको कहते हैं याए मजहूल, जो खींच कर ना पढ़ा जाए, वो ये जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसको कहते हैं याए मजहूल, याए मजहूल। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।